हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ओएसिस 2002 की कोरियन रोमांटिक मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.9 है। इसका मतलब है ये सही मूवी है। कैसे दो लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद अपनी जो खामियां होती है उन पर काम करते हैं और एक दूसरे को अच्छे से लाइफ जीने के लिए इंस्पायर करते हैं, ये इस मूवी का प्रीमाइस है। मैं अब आपको कोई भी स्पॉइलर नहीं देना चाहता, पर जब आप इस वीडियो को देखेंगे तब आपको मजा आएगा। मूवी स्टार्ट होती है और हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखता है। इसका नाम हम के रखेंगे। के जो होता है वो अभी अभी जेल से वापस आया है। वो एक बस स्टॉप पर खड़ा होता है और एक आदमी से सिगरेट मांगता है। वो सिगरेट पीता है और उसे इस जगह का पता पूछता है। उसके बाद इसी जगह एक आदमी स्ट्रीट पर स्वेटर सेल कर रहा होता है, तो एक स्वेटर वो बाय कर लेता है। फिर के को जहाँ जाना होता है उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है। वहां जाकर दरवाजे के बाहर वो खड़ा होता है और सरप्राइज वो उन्हें करने वाला होता है, पर जो लेडी उससे बाहर निकलती है वो उसे डर जाती है क्योंकि वो के को नहीं जानती और के भी इससे अनजान होता है कि एक्चुअल में अपनी फैमिली से मिलने आया हुआ होता है, पर वो अब वहां नहीं रहते। वो उस लेडी से पूछता है कि वो कहाँ गए, तुम्हें कुछ पता है या नहीं, पर वो उसे कुछ भी नहीं बताता। कि हमें फिर एक सुपर शॉप में दिखाया गया है। वो बहुत ही भूखा होता है तो वो टोफू मांग रहा होता है पर वहां अवेलेबल नहीं होता। नेक्स्ट सुपर शॉप में जब जाता है तो वो डायरेक्टली उसे खाने लग जाता है। शॉप का जो मालिक होता है वो उसे ऐसे बिना पैसे के वो दे देता है। वैसे भी के पास पैसे होते ही नहीं है। के फिर एक फोन बूथ के पास आता है। वहाँ कुछ लड़कियाँ होती है जो बात कर रही होती है। वो उनसे पैसे मांगता है क्योंकि उसे एक कॉल करना होता है। वो लड़कियाँ उसे इग्नोर कर देती है और वहाँ से चली जाती है। रात में हमें दिखता है कि रेस्टोरेंट में वो बैठा है और पुलिस को कॉल कर दिया गया है। वो वहाँ खाना खाता है और पैसे नहीं देता। वो उन्हें कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, पुलिस को मत कॉल करो। वो उससे पूछते है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुमने क्यों खाना खाया। वो कहता है कि मेरा ब्रदर की शॉप यही थी, मुझे लगा कि मैं अपने ब्रदर को कॉल कर दूंगा, वहां आ जाएगा और पैसे दे देगा। उन्होंने इसे बहुत साले कॉल करने के लिए परमिशन दी होती है पर किसी का भी कॉल नहीं लगता। पुलिस जब वहां आती है तो ये भागने की कोशिश करता है पर भाग नहीं पाता। जब पुलिस के का रिकॉर्ड निकालती है तब हमें पता चलता है कि पहले भी वो ट्रबल में आ चुका था। किसी आदमी को उसने असॉल्ट किया था, उसके बाद अटेम्प्टेड रेप और एक आदमी को मार दिया था, वो अनइंटेंशनली था। पुलिस फिर केक से पूछती है कि 2 साल के लिए तुम जेल में थे तो किसी वजह से थे। के जो होता है उसने एक आदमी को मार दिया होता है। के उन्हें कहता है कि सुबह होने वाली थी पर मुझे कुछ दिख नहीं रहा था और वो बीच में आ गया तो मैंने उसे कुचल दिया था। यह एक्सीडेंटली हुआ होता है पर फिर भी के वहां से भाग चुका था, इसी वजह से उसे ये 2 साल की जेल हुई थी। पुलिस उसे कहती है कि तुम्हें घर जाना चाहिए था। के कहता है कि मैं वही जा रहा था पर मेरी फैमिली का एड्रेस चेंज हो गया था, इसी वजह से यह सब ट्रबल हुआ है। के क्या ब्रदर का नंबर पुलिस के पास होता है तो उसे वो कॉल कर देते हैं। के को लेने वो आ जाता है। के हमेशा ट्रबल में आता रहता है तो अभी अभी उसके ब्रदर ने उसे हेल्प की है, तो उसका ब्रदर उसे कहता है कि प्लीज मेरी लाइफ डिस्टर्ब मत करो। के इसे इतना सीरियस नहीं लेता और इस पर हंस देता है। ये जो उसका ब्रदर होता है ये उसके अंकल का सन होता है, तो के को फिर उसके फैमिली के पास वो लेकर आता है। के की मदर होती है, ब्रदर होता है और सिस्टर इन लॉ भी होती है। ये एक छोटा सा प्लेस होता है तो के पूछता है कि इतना छोटा सा प्लेस क्यों है। मदर कहती है कि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी, इसी वजह से हमें घर सेल करना पड़ा। जो स्वेटर के ने बस स्टॉप पर बाय किया था वो अपनी मदर के लिए उसने लाया था, वो अपनी मदर को पहनाता है। उसकी मदर वरी करती है क्योंकि उसने खुद ने स्वेटर नहीं पहना था। के पैर गंदे होते हैं और फ्लोर वो खराब कर देता है। उसकी सिस्टर इन लॉ उस पर उसे डांटती है। उन्हें अब सबको क्वेश्चन पड़ता है कि के को अब कहाँ रखा जाए क्योंकि बहुत ही छोटा सा घर होता है। के का जो बड़ा ब्रदर होता है वो एक कार रिपेयरिंग शॉप चलाता है, वही वो उसे जगह दे देते हैं। दूसरे दिन हमें दिखता है कि के अपने ब्रदर की शॉप पर है और अपने फ्रेंड्स को कॉल कर रहा है। अभी उसके जो भी सब फ्रेंड्स हैं उनके नंबर चेंज हो गए और जो उसका कॉल उठा रहे हैं वो उससे हैंग आउट करने में उतना इंटरेस्टेड नहीं है। के का ब्रदर उससे कहता है कि तुम ऐसे ही नहीं जी सकते, जो भी कहा वो कह दिया, जो भी करा वो कर दिया, तुम्हें अब बड़ा होना चाहिए, छोटे बच्चे की तरह मत जियो। के का बड़ा ब्रदर फिर के को एक शॉप में लेकर आता है। फूड डिलीवरी का एक जॉब होने वाला होता है, वो जॉब उसे वो देने वाले होते हैं। के बीच में बोलता है तो उसका ब्रदर उसे बहुत ही डांटता है और ये जॉब फिर उसे मिल जाता है। वो ओनर से कहता है क्या मैं कल से स्टार्ट कर सकता हूँ। उसे एक काम होता है जो खत्म कर वो कल से अपना जॉब ज्वाइन करने वाला होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि एक बड़ा सा फ्रूट का टोकरी लेकर वो एक घर आता है। जिस घर पर वो आता है वहां के लोग मूव कर रहे होते हैं। वहां वो हमारी सेकंड लीड कैरेक्टर क्रीम को देखता है। ये जो होती है इसे सेरेब्रल पॉल्सी होती है, यानी कि इसके हाथ और पैर सब एबनॉर्मल होते हैं। क्रीम जो होती है वो चल फिर नहीं सकती, बहुत ही कम बोलती है। के उसमें थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो जाता है, उसका नाम वगैरह पूछता है। तभी एक आदमी वहां आता है,
क्रीम का एक ब्रदर होता है, वो कैसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम कौन हो। क्या कहता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। एक्चुअल में कि उस आदमी के फैमिली के पास आया हुआ होता है जिस आदमी को के ने मार दिया था। क्रीम का ब्रदर उस पर चिढ़ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। वो कहता है कि मैं सिर्फ विशेष देने के लिए आया हूँ। उसमें फ्रूट्स की बास्केट भी लाई हुई होती है। वो कहता है कि हमें तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं है। उसे निकल जाने के लिए बोलता है। हमने देखा था कि ये फैमिली मूव इन कर रही है, तो के नीचे ही रुकता है। क्रीम का ब्रदर जब जा रहा होता है तो क्रीम के ब्रदर से पूछता है कि तुम मूव इन कर रहे हो पर उस लड़की को नहीं लेकर जा रहे। क्रीम का ब्रदर कहता है कि तुम्हें मैंने निकल जाने के लिए बोला था, क्यों तुम यहाँ हो। वो उसे आंसर नहीं करता और चले जाने के लिए बोलता है। क्रीम को वही उस फ्लैट में वो छोड़कर जा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद हमें के दिखता है, वो उस फ्लैट में आता है, क्रीम को देखता है और देखकर चला जाता है। नेक्स्ट दिन अब अपना फूड डिलीवरी का काम के करता है। जब रात होती है उसका सब काम खत्म हो जाता है। अपने बाइक लेकर वो क्रीम के घर पर आता है। वो नीचे रुकता है और वंडर करता है कि ये कैसी होगी। इसके बाद वो वहां से निकल जाता है। रास्ते में जाते जाते एक मूवी की शूटिंग कार में हो रही होती है। ये वो देखता है और उनका पीछा करने लग जाता है। वो उसे फ्रेम से निकल जाने के लिए बोल रहे होते हैं पर वो ये नहीं करता। उसका ध्यान नहीं होता और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब वो घर आता है तो उसका ब्रदर उसे बहुत डांटता है। उसका ब्रदर उसे कहता है कि तुम्हें क्या जरूरत थी रात में डिलीवरी की बाइक लेकर कहीं कहीं घूमने की, जॉब खत्म हो गया तुम्हें डायरेक्टली घर आना चाहिए। उसकी सिस्टर इन लॉ उसे मलम पट्टी कर रही होती है। फिर वो कहती है मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर हमारी लाइफ बहुत ही सही थी जब तुम जेल में थे। हमें से कोई बोल नहीं पाता पर जब तुम हमारी लाइफ में नहीं होते तो हमारी लाइफ बहुत ही ईजी होती है। नेक्स्ट डे के फ्लावर लेता है और क्रीम को वो फ्लावर देने के लिए जाता है। और कौन ओपन नहीं कर रहा था तो उसकी नेबर वहां आती है। उससे वो फ्लावर लेती है और कहती है कि मुझे किसी को अंदर लेकर जाने के लिए अलाउड नहीं है। वो जब ये डोर ओपन कर रही होती है तब इसकी चाबी एक कुंडी के नीचे होती है। तो ये के देख लेता है। अब के ने देख लिया है कि चाबी कहाँ रखी जाती है। ये चाबी उठा लेता है और डोर ओपन कर अंदर आ जाता है। क्रीम उससे थोड़ी सी डर जाती है तो कहता है कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें ये फ्लावर भेजे थे, क्या तुम्हें ये फ्लावर अच्छे लगे हैं। वो उसे कहता है कि तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो, तुम मुझे बहुत ही अच्छे लगते हो। वो उसे फिर अपना नंबर देता है। वो उसके मिरर पर वो नंबर लगा देता है और कहता है कि तुम्हें जब भी लगे तुम मुझे कॉल कर सकते हो। उसके पैर को हाथ लगा लेता है। वो फिर उसे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। वो रेजिस्ट करती है पर वो कहता है कि सिर्फ रिलैक्स रहो, कुछ भी नहीं होगा। क्रीम फिर थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाती है। कि कुछ करने से पहले वो बेहोश हो गई होती है तो के बहुत ही डर जाता है। वो फिर उसे बाथरूम में लेकर जाता है, कुछ पानी से उसे नहलाता है जिससे वो फिर से होश में आ जाती है। फिर वो वहां से निकल जाता है। नेक्स्ट दिन में हम देखते हैं कि क्रीम जिस घर पर रह रही होती है उसके नेबर्स वहां आते हैं। नेबर्स के घर पर बच्चे होते हैं और उन्हें अकेला टाइम नहीं मिलता, इसी वजह से इस घर में आकर अब वो इंटीमेट होने वाले होते हैं। उसमें से औरत कहती है कि वो देख रही है। आदमी कहता है उससे क्या फर्क पड़ता है, और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। क्रीम जो होती है अब वो तैयार हो रही होती है। उसका ब्रदर उसे लेने के लिए आया हुआ होता है। उसका ब्रदर जब आता है तब ये दोनों उसके नेबर बहुत ही डर जाते हैं। उसके ब्रदर को कुछ पता नहीं चलता है और फिर हमें दिखता है क्रीम को वो अपने घर लेकर आता है। ये बहुत ही अच्छी सी बिल्डिंग होती है और बहुत ही अच्छे से फ्लैट में रहता है। एक्चुअल में आज उसके ब्रदर के फ्लैट का इंस्पेक्शन होने वाला होता है। ये जो बिल्डिंग होती है ये हैंडीकैप लोगों के लिए होती है। क्रीम को सेरेब्रल पॉल्सी है, इसी वजह से उन्हें ये गवर्नमेंट ने फ्लैट दिया था। इसका मतलब है उन्हें क्रीम का ख्याल रखना चाहिए, पर ये नहीं कर रहे। वो अपने फ्लैट में उसे नहीं रहने दे रहे। क्रीम का ब्रदर जब रात होती है तब उन्हें ओल्ड हाउस में उसे छोड़कर जाता है। क्रीम का ब्रदर उसके लिए केयर करता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें जो भी खाना हो अपने नेबर को बता देना, हम उसे 200K देते हैं मंथली। जब रात होती है तो क्रीम के को कॉल करती है, उसे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। नेक्स्ट दिन फिर के क्रीम से मिलने आता है। उससे पूछती है कि तुमने मुझे वो फ्लावर्स क्यों लाए थे। वो कहता है कि ऐसे, उसके पीछे कोई भी रीजन नहीं होता। जैसा हमने देखा है कि उसे जो भी लगता है वो करता है। फिर के उसे बातचीत करने लग जाता है और कहता है कि एक जनरल था, उससे 18 जनरेशन से मैं हूँ। क्रीम को यह पता होता है। क्रीम कहती है कि वो जनरल नहीं था, एक ट्रेटर था। के भी इस पर हंसने लग जाता है। के फिर कहता है कि आज से मैं तुम्हें प्रिंसेस बुलाऊंगा। क्रीम भी उसे जनरल बुलाने वाली होती है। के कहता है कि चलो जरा बाहर जाते हैं, उसे यहाँ घुटन महसूस हो रही होती है। फिर वो उसे टेरेस पर लेकर आता है। थोड़े टाइम तक वो वहाँ हैंग आउट करते हैं और फिर के अपने फैमिली के पास आ जाता है। उसकी फैमिली पास्टर के पास आई हुई होती है और वो केक के लिए प्रे करते हैं। क्रीम ने केक को पूछा हुआ होता है कि वो क्या करता है। उसे काम करने वाले आदमी अच्छे लगते हैं, इसी वजह से अब के अपने ब्रदर के पास आता है, उससे वो जॉब मांगता है। उसका ब्रदर उसे सीरियसली नहीं ले रहा होता तो वो कहता है कि मैं मेहनत करूंगा, तुम ये कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ।
ये उसे अश्योर करता है और फिर उसका ब्रदर उसे वहां जॉब दे देता है। नेक्स्ट दिन के क्रीम से मिलने के लिए आता है। उसके जो भी सब कपड़े वगैरह होते हैं वो धोता है। क्रीम का फेवरेट कलर व्हाइट होता है। वो कैसे भी अपना फेवरेट कलर पूछती है। उसे बीन्स खाना अच्छा नहीं लगता ये भी वो कहती है। के भी उसे क्या पसंद है क्या नापसंद है ये सब बातें करता है। तभी वहां क्रीम की नेबर आती है। नेबर उसे पूछती है कि मैंने कुछ आवाजें सुनी थी। क्रीम कहती है कि मैं सिर्फ रेडियो सुन रही थी, कोई भी आवाजें नहीं है। उसके नेबर उसे कहकर जाती है कि उसे आज बाहर जाना है तो रात में वो खाना नहीं देने वाली। क्रीम को भी इससे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। जब रात होती है तो केक क्रीम के लिए गाना गा रहा होता है। क्रीम के रूम में एक पेंटिंग होती है जिस पेंटिंग को देखकर वो बहुत ही डर जाती है। ये जो पेंटिंग होती है ये ओएसिस की होती है यानी डेजर्ट की होती है। इस पेंटिंग में एक इंडियन औरत होती है जो अपने बेटे के साथ एक हाथी को लेकर जा रही होती है। क्रीम कहती है कि मैं इस पेंटिंग से बहुत ही डर जाती हूँ। के फिर उसे कहता है कि अब मैं मैजिक करूंगा और तुम्हारा जो भी डर है वो निकालूंगा। वो आबरा का डाबरा करता है, प्रिटेंड करता है कि वो मैजिक कर रहा है। जब रात होती है तो वो के को कॉल करती है। अभी भी उसे डर लग रहा होता है। फोन पर फिर से वो मैजिक करने का प्रिटेंड करता है। के उसे पूछता है कि क्या तुम्हारा डर गया। क्रीम कहती है कि हाँ अभी वो चला गया है। क्रीम उसे कहती है कि तुम्हारा वॉइस बहुत ही अच्छा है, तुम्हारा फेस उतना अच्छा नहीं है। इस पर ये दोनों हंसने लग जाते हैं। नेक्स्ट दिन के अपने ब्रदर के शॉप से कुछ पैसे चुरा लेता है। वो चुरा कर आज डेट पर जाने वाला होता है। वो क्रीम को उठाता है और बस में वो जा रहे होते हैं। बस में क्रीम एक कपल को देखती है। क्रीम को भी एक नॉर्मल कपल की तरह रहना होता है। वो फिर इमेजिन करती है कि वो के साथ खड़ी हुई है। वो उसे कुछ मारकर टीज कर रही है। ये इमेजिन कर वो हंसने लग जाती है। के उसे पूछता है पर उसे नहीं बताती। के फिर उसे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर आता है पर वहां की जो ओनर होती है उसे प्रॉब्लम हो जाता है। उसे एक एबनॉर्मल लेडी को सर्व करना अच्छा नहीं लगता, इसी वजह से उसे निकलने के लिए बोलती है। के को गुस्सा आता है पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है और वहां से चला जाता है। आज संडे होता है तो के क्रीम को अपने ब्रदर की शॉप में लेकर आता है। वहां पे इन दोनों को नूडल्स बहुत ही अच्छे लगते हैं तो इस नूडल्स का वो पार्सल ऑर्डर करता है। के को थोड़ी देर बाद कॉल आता है और उसके सिस्टर इन लॉ को पता चल गया होता है कि उसने उससे पैसे चुराए थे। इसे जरा डिस्टर्ब हो जाता है। क्रीम इमेजिन करती है कि वो अब फिर से खड़ी हो चुकी है। वो उसे पूछती है कि क्यों तुम्हारा मूड खराब हो गया। के फिर अपना मूड चेंज कर लेता है। जब वे खाना खा रहे होते हैं तो के उसे खाना खिलाता है। के फिर क्रीम को कहता है मुझे एक सपना आया था। इस सपने में तुम्हारी जो पेंटिंग है उसमें के जो सब लोग है यानी ये इंडियन औरत, उसका बेटा और एलिफेंट, ये सब जिंदा हो चुके थे। वो सब हमारे इर्द गिर्द डांस कर रहे थे। के ने अपने ब्रदर की शॉप से गाड़ी लाई हुई होती है और उसे वो घर छोड़ रहा होता है तो वो ट्रैफिक में अटक जाते हैं। ये एक नेशनल हाईवे होता है जिस पर ट्रैफिक होती है, ये कभी भी नहीं होता। तो ये देखकर के को बहुत ही अमेजिंग लगता है। वो फिर गाड़ी में म्यूजिक लगाता है, क्रीम को उठाता है और वही डांस करने लग जाता है। जब ये दोनों घर आते हैं तब क्रीम इमेजिन करती है कि वहाँ वो इंडियन लेडी, एक छोटा सा लड़का और एलिफेंट, ये सब है और उसके इर्द गिर्द वो नाच रहे हैं। जब ये डांस खत्म हो जाता है तो वो एक दूसरे को किस कर रहे हैं, ऐसा वो इमेजिन करती है। रात में जब के अपने ब्रदर के शॉप में फिर से वापस आता है तो उसका ब्रदर वहां होता है। वो उस पर चिढ़ रहा होता है कि वो क्लाइंट की गाड़ी लेकर वो चला गया था। उसका क्लाइंट भी उस पर चिढ़ा हुआ होता है। उसका ब्रदर फिर उसे शॉप में लेकर आता है। उसे वो बहुत ही डांटता है, उसे बैंड होने के लिए कहता है और फिर डंडे से उसे मारता है। नेक्स्ट दिन में वो दिखता है कि के क्रीम के पास होता है। उसे वो अच्छे से रेडी कर रहा होता है। उसे कहता है कि एक अच्छे से प्लेस पर हम जाने वाले हैं। वो एक बड़े होटल में उसे लेकर आता है और फिर मैनेजर से कहता है मेरे ब्रदर की पार्टी में आया हूँ। उसकी ग्रैंड मदर जो होती है उसका आज बर्थडे होता है। इसकी बर्थडे पार्टी होती है और इसमें वो क्रीम को लेकर आता है। उसकी फैमिली क्रीम को देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। उसे पूछती है कि ये कौन है। उसे बता नहीं रहता, उसे कहता है कि ये सिर्फ एक फ्रेंड है। उसका ब्रदर फिर उसे कहता है कि ये फैमिली डिनर है, इसमें कोई फ्रेंड वगैरह अलाउड नहीं है। वो कहता है तो फिर मैं भी यहाँ से निकल जाऊंगा। उसके ब्रदर फिर उसे एक कॉर्नर में लेकर आते हैं। उसे फिर से पूछते हैं कि ये कौन है। फिर वो उसे सच्चाई बता देता है। उसका ब्रदर उसे कहता है कि तुम मुझे गिल्टी महसूस करा रहे हो, एक्चुअल में के ने उस आदमी को नहीं मारा था। जब रात होती है तब ये सब ब्रदर्स ड्रंक हो जाते हैं और इसका बड़ा ब्रदर जो होता है वो गाड़ी चला रहा होता है। उसने क्रीम के फादर को मार दिया होता है और फिर वो हिट एंड रन करके वहां से भाग जाते हैं। जब पुलिस इन सबको पकड़ लेती है तब के वॉलंटियर करता है और कहता है कि मुझे जेल में जाना है, क्योंकि जो बड़ा ब्रदर होता है ये फैमिली को प्रोवाइड करता है, अगर वो जेल में गया तो सब प्रॉब्लम हो जाएगा। तो के नहीं प्रिजन में जाने के लिए वॉलंटियर किया होता है। उसका छोटा ब्रदर कहता है कि तुम कुछ भी करने से पहले सोचते क्यों नहीं हो, तुम्हें उसे यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। कहता है कि तुम सही बोल रहे हो, मैं कुछ भी नहीं सोचता। इसका मतलब है के ने सोचा होता कि उसे प्रिजन में जाना चाहिए या नहीं तो उसका ब्रदर प्रिजन में चला जाता और उनकी सब फैमिली तहस नहस हो जाती।
इसके बाद वो सब डिनर करने लग जाते हैं। इसके बाद वो फैमिली फोटो लेने वाले होते हैं तो क्रीम को यहाँ शामिल नहीं होने देते, तो के भी यहाँ से निकल जाता है। जब ये दोनों बाहर आते हैं तो क्रीम से वो सॉरी कहता है, के को अब कैरी होके में जाना होता है, वो क्रीम को भी मना देता है। सिर्फ के ही गाना गाने लग जाता है, क्रीम गाना नहीं गा सकती है। जब वो ट्रेन स्टेशन पर आते हैं तब उनकी ट्रेन मिस हो जाती है। यहाँ में देखता है फिर से क्रीम इमेजिन कर रही है कि वो अब चल रही है और के लिए गाना गा रही है, वो आज बहुत खुश होती है। के जब क्रीम को घर पर छोड़ने आता है तो क्रीम उसे कहती है कि आज तुम मेरे साथ सो। के पूछता है कि ये क्या बोल रही हो, क्रीम कहती है कि तुम्हें पता नहीं, वो उसे इंटीमेट होने के लिए बोल रही होती है। फिर के और क्रीम दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। तभी क्रीम का जो ब्रदर होता है वो उसे मिलने के लिए आता है। बहुत ही रात हो चुकी होती है और फिर उसे मिलने के लिए आते हैं। वो किम और के को इंटीमेट होते हुए देख लेते हैं। ये देखने के बाद वो बकेड़ा खड़ा कर देते हैं, नेबर्स को बुलाते हैं, के को पुलिस में दे देते हैं। पुलिस में देने के बाद के ब्रदर्स को वहां बुलाया जाता है। सबको लगता है कि ये रेप करने की कोशिश कर रहा था, अब ये रंगे हाथों पकड़ा गया था तो उसे अब जेल हो सकती है। क्रीम को भी पुलिस स्टेशन में लाया हुआ होता है पर अब वो यहाँ बोल नहीं पाती। स्टेज में जब वो होती है उसकी बीमारी की वजह से कुछ भी वो बोल नहीं पाती। उसका स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर ले रहे होते हैं पर वो कुछ बोल नहीं पाती तो उसकी सिस्टर इन लॉ ही सब स्टेटमेंट देती है। इस स्टेटमेंट से साफ हो जाता है कि के उसका रेप कर रहा था। क्रीम का जो ब्रदर होता है वो केक के ब्रदर को बुलवाता है। वो उनसे कहता है कि हमें कोर्ट में लेकर जाने की इसे कोई भी जरूरत नहीं है, वो उनसे पैसे मांग रहा होता है। पर ये ब्रदर फिर कहते हैं कि हमें हमारे ब्रदर को डिसोन कर देना है, वो केक के लिए अब कुछ भी पे नहीं करने वाले होते। क्रीम जब स्टेटमेंट दे रही होती है तो वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है पर वो कुछ कह भी नहीं पाती। क्रीम को फिर उसके ब्रदर और सिस्टर इन लॉ दोनों घर लेकर आते हैं, उसे वो सुला देते हैं। के जब कस्टडी में होता है तब उसकी सब फैमिली उसे मिलने के लिए आती है, वो पास्टर को भी लेकर आती है, वो उसके लिए अब प्रे करने वाले होते हैं। जब ये प्रेयर हो रही होती है तब के वहां से उठ जाता है, वहां से भाग जाता है। वो भागते भागते एक एली में आता है, वहां के एक औरत से वो फोन चुरा लेता है और वो क्रीम को कॉल करने की कोशिश करता है पर ये कॉल क्रीम उठा नहीं पाती। उसे क्रीम से मिलना होता है तो क्रीम की जो बिल्डिंग होती है वहां पर वो आ जाता है। वो अब स्टेयरकेस से डायरेक्टली अंदर नहीं जा सकता क्योंकि उसका ब्रदर वहां होता है। तब वो झाड़ पर चढ़ जाता है, क्रीम की जो विंडो होती है उसी के पास ही झाड़ होता है। वो वहां क्रीम को आवाज देता है, उसे वो बात करना चाहता है पर क्रीम ये खिड़की खोल नहीं पाती, उससे बात नहीं कर पाती। फिर इस पेड़ की जो ब्रांचेस होती है वो कट करने लग जाता है। वो इसी पेड़ पर रुकेगा, ज्यादा से ज्यादा टाइम उसे मिलेगा और क्रीम से बात कर पाएगा, इसी वजह से ये सब वो कर रहा है। थोड़ी देर बाद इस पेड़ से वो गिर जाता है, उसे पुलिस फिर लेकर जाती है और क्रीम कुछ भी नहीं कर पाती। फिर हमें क्रीम अपने घर पे दिखाई गई है और के का लेटर उसे आता है, के अब प्रिजन में है। इस लेटर में वो कह रहा होता है कि जेल का जो माहौल है इसकी अब उसे आदत हो चुकी है, कभी कभी उसके खाने में बीन्स भी आ जाती है। क्रीम उस बीन्स को हेट करती थी, अब ये भी इस बीन्स को हेट करने लग गया है। वो कहता है कि मैं ड्रीम कर रहा हूँ कि जिस दिन मैं जेल से वापस आ जाऊंगा मैं बहुत सारा टोफू खाना चाहता हूँ, जब मैं बाहर आऊंगा तब मैं तुम्हें खाना खाने के लिए लेकर जाऊंगा, तुम्हें जो भी सब खाना होगा उसकी तुम अभी से लिस्ट बना लो, हम सब खाने वाले हैं। वो ठीक ठाक है, टेबल टेनिस खेल रहा है, जेल में उसकी लाइफ सही से जा रही है, ऐसा इस लेटर में लिखा होता है। यही इस मूवी का एंड हो जाता है। तो इस मूवी में हमने देखा था कि के की जो फैमिली है उसे पसंद नहीं करती और क्रीम की फैमिली ने भी उसे अबैंडन कर लिया है। फिर ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, इन दोनों में फ्लॉज होते हैं। क्रीम को तो सेरेब्रल पॉल्सी होता है और जो के होता है ये कुछ भी करता है और उसे समझ में नहीं आता। ये उसका रेप करने की कोशिश करता है पर ये दोनों जैसे भी है ये एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक दूसरे को एक्सेप्ट करने के बाद अच्छे से वो लाइफ जिए, इसीलिए वो एक दूसरे को इंस्पायर भी करते हैं। जैसे हमने देखा था कि क्रीम ने उसे कहा था कि तुम्हें जॉब लेनी चाहिए, उसे जॉब जो आदमी करते हैं उन्हें वो इन्वे करती है। इसी वजह से के ने अपने ब्रदर से जॉब मांगा था। जब वो के साथ थे तो वो इमेजिन कर रही थी कि वो चल फिर रही है, गाना गा रही है, वो भी एक अच्छी लाइफ का सपना देखने लग गई थी। ये दो फॉल्टी कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ आए थे और अपनी लाइफ जीना चाह रहे थे पर सोसाइटी ने उसे कुछ भी नहीं करने दिया। जब वो पुलिस स्टेशन में थे कि अगर कुछ बोलता तो वो उस पर कोई भी बिलीव नहीं करते और क्रीम कुछ बोल नहीं पाई, इसी वजह से इन दोनों में दरार आ गई। इस मूवी में उन्होंने रोमियो जूलियट इस तरह की रोमांटिक स्टोरी फिर से कहने की कोशिश की है पर इन्होंने बहुत ही अच्छा टेक इस पर लिया है। बहुत ही अलग ही मूवी थी और बहुत ही बेस्ट लव स्टोरी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।